हे भगवान, जहां से गए वहां से आमदनी उठा के देखो। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेलकम बैक। मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो, बस आप लोग कमेंट करके बताना। आई होप आप सभी सब ठीक होंगे और अपने काम पर बिजी होंगे। फिर भी अगर आप इस वीडियो पे आए तो वीडियो को हमेशा की तरह लास्ट तक देखना। हमको तो पता ही नहीं था इतना गहरा नींद में सो दिया, रात को फिर से बारिश दिया हुआ है। उम्मीद करते कि मेरा जो बनाया हुआ काम है वो बिगड़ा ना होगा बारिश से। ओ सही है, अभी भी ठीक है, कोई नहीं निकला आज। अभी फटाफट इसको काम खत्म कर देना है बस। अभी से जैसा भी हो, बस हमको डेली व्लॉग बनाना है तो बनाना है, बस बनाना है तो बनाना है। आप लोग का जो प्यार और सपोर्ट है, जल्दी ही रंग दिखने वाला है दोस्तों। हमेशा छोड़ के चला जाता है, हमको हमेशा हम बर्तन धोते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाना बनाना है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अभी हम स्कूल नहीं जाने से पहले उसको बर्तन धोने दे रहे हैं। पूरा दना भी खत्म हो गया था, फिर जब भाई स्कूल से आए तो हम पूरा उसको ढूंढने के लिए दिया, वो फिर से कोर काट के आए, पूरा जैसा है वैसा काट के आए। तो ये लोग को काट के खिला रहे हैं। देखिए इस तरह से दाना, भगवान देखिए तो लगता नहीं कि इसमें भी खाएगा बोल के, लेकिन क्या करेगा, सोर भी बेचारा मजबूरी खाना पड़ता है इसको। तो पूरा मिट्टी होता है, ये लोग अच्छे से नहीं धोने से, बीजा है तो खुरनी से जाता नहीं पूरा। आज जो है यही खा के गुजारना पड़ेगा लगता है। भाई ने बना के रखा हुआ है, पूरा काम कर रहा है, तो बाद में अगर हमको बनाने दिल उनसे फिर बनाएगा भाई के लिए। कैसे बनाया हुआ है देखते हो, यानी कि तेल का स्वाद आना चाहिए, तेल का स्वाद आ रहा है और कुछ नहीं है। एक्चुअली इतना खाने दिल नहीं हो रहा है, ये टेस्ट नहीं आ रहा है, इतना मज़ा से नहीं आ रहा, लेकिन खा दिया हमने काफ़ी। यार जब ऊपर जब पहुँच जाते तो नीचे हमको जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, नीचे हमको फिर पहुँचने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। अभी हम सोचे वो वाला चीज़ को हम यहाँ रखा है तो यहाँ से आसानी से उतरेगा, लेकिन एक्चुअली वो तो वहाँ पे हम रख दिया। ओ बहुत इजी तरीका से आ गया, हमको बड़ा लगा कि हम बहुत तकलीफ हो जाएगा, तो बहुत आसान हो गया, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ होता है। एंड गाइस अभी मौसम खराब हो रहा है, बारिश देने के लिए लग रहा है। है गुजरने वाले हवा बता, मेरी इतनी काम करेगी क्या, मैं दूजा मेरे खेती जा, मेरे डोली को ये बता, मैं कितना याद कर रहा हूँ, वही थोड़ी दूर है मेरी माँ, उसके उसका बेटा याद कर रहा है। अभी इतना जो वहाँ हो गया, यहाँ खत्म हो गया। परफेक्टली इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, अभी इसको और परफेक्ट करने के लिए हमको रस्सी लगाना होगा, और वो रस्सी मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। यार आया, अभी बहुत जोर से बारिश देगा लग रहा है हमको, भगवान करे बारिश ना दे। यार तेरे सुबह तो बारिश धूप दे रहा था, अभी बारिश देने लग गया चला। गाइस अभी पूरा बारिश देने लग गया है, तो हमको जितना भी हम वो बनाया था वो लोग को फिर से हमको ढकना पड़ेगा प्लास्टिक से, नहीं तो पूरा खुला जाएगा। ऐसा अभी बारिश तो दे रहे हैं बहुत जोर से, काम बस होने वाला ही था, और 10 मिनट जैसे मिलता तो मैं काम कंप्लीट कर ही लेता, लेकिन अभी आधा मुरा में बारिश देने लगा था, हम अच्छे से बना दिया, फिर से ढक दिया ताकि बारिश से वो जो नीचे वाला लोग ना जाए जो आगे हम किया है। चलो ठीक है, बारिश थोड़ा सूखने का बाद फिर हम लोग करते हैं। पूरा बारिश दे रहा यार,
थोड़ा खतरा से भीग गया। बहुत तेज हवा के साथ बारिश भी दे रहा है यार। ला 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 तेरे का। अभी ये एक ही जरकेट था जो हम हमेशा पहनता था, अभी ये भी भीग गया। क्या करें अब। चलो कोई नहीं दोस्तों, खाना ही बना लेता हूँ। सुबह सुबह कैसा धूप दे रहा था और अभी कैसा हवा बारिश दे रही, दिमाग खराब है। इसलिए पहले मैं जब बैचलर था, मेरा दोस्त लोग कहते थे, हम लोग ऐसे जब हम शादी नहीं किया था तो ऐसे कहते थे कि यहाँ का मौसम और यहाँ का लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं सुबह धूप था, अभी बारिश और हवा दे रहे, और लड़की आज में गर्लफ्रेंड होगा घर में ब्रेकअप हो जाएगा, इसी तरह चलता था। तो बस वही ऐसे दोस्त लोग ऐसे हंसी मजाक में हम लोग कहते थे। फटाफट करके दरवाज़ा बंद कर लेगा फिर, नहीं तो हवा मरेगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो गैस करते हैं फिर। नहीं, और एक सामान भूल गया हम, लेना पड़ेगा। ए पूरा भीग गया वही तो, पूरा भीग ही गया वही। बच गया। तेरे का फालतू हो गया रे। अभी ठीक हो गया गाइस, देखा थोड़ा सा टाइट मैंने कर दिया, आगे पूरा पानी पूरा नीचे भेज आ रहा था, वहां पूरा खाली हो गया फिर से। एंड गाइस फाइनली काम कंप्लीट हो गया यार। तेरे का अभी कंप्लीट किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, अभी कमेंट करके बताना। पहले से तो छोटा तो हो गया, पहले ये 8x6 था, अभी 8x5 हो गया, मैंने 1 फुट कम कर दिया है ऊपर साइड। और हम सोचा था कि टॉयलेट जो ये साइड बनाएगा, लेकिन अभी जब ये गिर जाने का बाद मेरा माइंड जो चेंज हो गया कि हम टॉयलेट जो यहाँ तरफ बनाएगा। एक्चुअली यहाँ तरफ पीछे तरफ मिट्टी जो ऐसे बच रहा है, इसलिए बाउंड्री बस ये छोटा सा लकड़ी गारा वहाँ तक है, तो हम टॉयलेट यहाँ बनाने का सोच रहे हैं, और टेंकी के लिए पाइप के लिए वहाँ पर छोड़ दिया, नहीं तो वहाँ तरफ बना रहा था टॉयलेट। लेकिन जब गिर गया तो उठाते उठाते मेरा माइंड भी चेंज हो गया, चलो ठीक है। चलो अभी ये जो मिट्टी फीलिंग है वो जब तक हम टॉयलेट खड़ा नहीं कर लेते तब तक हम मिट्टी फीलिंग नहीं करने वाला है, कब आ जाएगा समय, तो मैं तो पूरा फिर गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा तो हम तो भगवान। अभी टॉयलेट वॉयलेट खड़ा करना था, लेकिन अभी जो है थोड़ा मोड़ा शायद टाइम लग जाएगा, हमको लग रहा है कि टाइम चला जाएगा टॉयलेट खड़ा करने के। हम सोच रहे कि टॉयलेट भी हम खुद खड़ा करेगा, आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद खड़ा करने के लिए टॉयलेट। ये पिलर ही तो उठाना है, पिलर उठाने में कौन सा पिलर उठाने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन बाकी बात तो उठा ही लेगा, मिस्त्री से पूछताछ करके मैं खुद उठा लूँगा। एंड गाइस जरूर कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। गाइस आज का जो डिनर है, डिनर बोल रहा है, आज का जो खाना है देखिए कुछ इस तरह से, पूरा दाल। एक्चुअली ये आप लोगों को सिर्फ दाल नज़र आ रहा होगा, हाँ ये दाल ही है, लेकिन इसमें जो मैंने बहुत सारा कुछ मिक्स किया है, जैसे कि हो गया फलाना वलाना वगैरह कुछ भी होता है, टेस्ट आने के लिए कुछ भी हमने मिक्स कर दिया। जहाँ से गए वहाँ से आमदनी उठा गया, देखो तुम सबक सीखो। जले आओ जले इधर जो खुश आओ, तेरे खाना है इधर आओ। और हमको अभी निकलना है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और मेरा काम भी खत्म हो गया है, अगर लगने से मैं कर परसों मैं तो जाना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।